सम्मानित साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब नए दौर पे PFMS पोर्टल के माध्यम से ही SMC खातों का भुगतान किया जाएगा। और किस प्रकार से PFMS के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया संचालित की जाएगी शिक्षकों के हेडमास्टर्स के द्वारा, खाते में बैलेंस लिमिट की जानकारी कैसे करें, वेंडर कैसे ऐड करें, 5-स्टेप फुल प्रोसेस आप देखें। PFMS की संपूर्ण जानकारी के लिए ये 5 चरणों का पूरी प्रक्रिया है, इसको ध्यानपूर्वक देखें। इसके उपरांत आपको PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने में कोई समस्या नहीं होगी। साथियों, PFMS पोर्टल की प्रक्रिया को समझते हैं। जैसा कि आप समझ जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति का जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाने के पश्चात वर्तमान में कंपोजिट ग्रांट की धनराशि जीरो बैलेंस वाले नवीन खाते में प्रेषित की गई है। यह धनराशि के रूप में न होकर लिमिट के रूप में रहेगी, जो कि न तो कैश के रूप में आपके खाते में या पासबुक में प्रिंट कराने पर दिखेगी और न ही आप कैश निकासी या चेक से निकासी ही कर सकते हैं। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको एक बार अच्छी तरह से आप समझिएगा कि आपको यह धनराशि आपके पासबुक में दिखेगी नहीं। उक्त प्रक्रिया पूर्णतः अवैधानिक मानी जाएगी। आपके जीरो बैलेंस खाते में धनराशि की जगह लिमिट जारी किए जाने से तात्पर्य है कि यदि छात्र संख्या के हिसाब से आपके विद्यालय में 10,000 मत बन रहा था तो उस खाते की लिमिट 10,000 जारी कर दी गई है, अर्थात उस खाते के माध्यम से आप 10,000 तक खर्च या भुगतान कर सकते हैं, किंतु यह प्रक्रिया नगद न होकर PFMS पोर्टल के माध्यम से ही होना है। खाते में बैलेंस लिमिट कैसे जानकारी करें? जीरो बैलेंस खाते में पासबुक पर प्रिंट के माध्यम से या बैंक में जाकर खाते में कितना मत आया है इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि खाते में धनराशि न भेजकर के खाते में लिमिट जारी की गई है। जीरो बैलेंस खाते में पासबुक पर प्रिंट के माध्यम से या बैंक में जाकर खाते में कितना मत आया है इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी। खाते की लिमिट की जानकारी के लिए आपको अपने ब्लॉक के लेखाकार के माध्यम से अथवा अपने विद्यालय की PFMS पोर्टल पर मेकर ID व पासवर्ड की जानकारी प्राप्त करके उसके माध्यम से आप अपने जीरो बैलेंस खाते की लिमिट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो साथियों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये 3-4 स्टेप की आपको प्रक्रिया है, इसको समझना बहुत ही नितांत आवश्यक है, नहीं तो आप SMC के खाते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकते हैं। PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालय स्तर पर PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया नवीन होने के कारण जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग व समग्र शिक्षा के माध्यम से विभिन्न स्तरों से आपको उक्त संबंध में भुगतान प्रक्रिया की सूचना और जानकारी प्रदान की जाएगी। PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया भी बेसिक शिक्षा विभाग में नया कॉन्सेप्ट होने के कारण हम समस्त शिक्षकों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण और मुश्किलों भरा होगा। PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया अभी बेसिक शिक्षा विभाग में नया कॉन्सेप्ट होने के कारण, हालांकि एक बार जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड प्रक्रिया आदि की जानकारी प्राप्त कर जाएंगे, उसके साथ ही आप उसमें अपने अधिकांश भुगतान होने वाले वेंडर जैसे कि स्टेशनरी वाले, बिल्डिंग मटेरियल वाले, पुताई करने वाले, किराना वाले आदि अन्य लोगों का जब अपने विद्यालय के पोर्टल से ऐड कर लेंगे, तब यह भुगतान की प्रक्रिया अत्यंत ही सरल हो जाएगी। इसमें आपको एक प्रकार से पहले पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा, उसके पश्चात संबंधित पत्र आदि को बैंक आदि के माध्यम से प्रदान करके संबंधित के सीधे खाते में भुगतान करना होगा। अब ये साथियों प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक अपनी डायरी में नोट करते जाइएगा। PFMS पोर्टल पर भुगतान की प्रक्रिया। PFMS पोर्टल पर भुगतान के निम्न प्रमुख चरण हैं। PFMS पोर्टल पर पहले लॉगिन करेंगे। PFMS पोर्टल पर वेंडर की पूरी डिटेल भरते ही हुए उन्हें जोड़ना अर्थात जिनको पैसे का भुगतान करना है उन्हें अपने खाते से जोड़ना होगा। यहाँ पर जिनके खाते में ट्रांसफर उन्हें जोड़ना होगा। इसके पश्चात एक्सपेंडिचर संबंधी विवरण को पूर्ण करना है।
जिस मदद के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे संबंधित विवरण भरना है। सेंशन अर्थात संस्तुति संबंधी विवरण भरना। डिडक्शन डिटेल विवरण को कन्फर्म करके पूर्ण करना। उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात बैंक में पत्र आदि के माध्यम से संबंधित के खाते में भुगतान करवाना। अब यहाँ से प्रथम चरण यानी स्टेप फर्स्ट स्टार्ट होता है। CFMS के माध्यम से पेमेंट करने के लिए भुगतान करने के लिए सर्वप्रथम pfms.nic.in पर लॉगिन करते हैं। ये वेबसाइट है साथियों, इसकी वेबसाइट की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करते ही आप इसकी साइट पर ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज क्रोम में जाकर के कर सकते हैं। होम पेज खुलने पर लॉगिन में जाकर आपके विद्यालय के लिए आवंटित मेकर आईडी व मेकर पासवर्ड जो कि आपके ब्लॉक के सहायक लेखाकार के माध्यम से या समग्र शिक्षा अभियान विभाग के माध्यम से प्राप्त होगा से यूजर नेम मेकर आईडी व पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात लेफ्ट साइड में बहुत से ऑप्शन ऊपर से नीचे की तरफ क्रमशः दिखाई देते हैं, जिसमें से हम मास्टर पर टच करेंगे। जो तीन लाइनें होंगी लेफ्ट साइड, वहां पर आपको मास्टर कॉलम होगा, मास्टर पर टच करेंगे। मास्टर पर टच करने के पश्चात बहुत सारे विकल्प आते हैं, जिसमें वेंडर पर क्लिक करके सर्वप्रथम कार्य वेंडर अर्थात सप्लायर को ऐड करते हैं। ये साथियों मास्टर के बाद हम वेंडर पर क्लिक करेंगे और सेकंड स्टेप आएगा। वेंडर पर टच करने पर बहुत सारे ऑप्शन खुल कर आते हैं, जिसमें कि ऐड न्यू पर टच करते हैं। ऐड न्यू जो वेंडर में ऐड न्यू जहां पर होगा उस पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर टच करने पर कई बॉक्स के कॉलम खुलकर आएंगे, जिसमें कि वेंडर की पूरा डिटेल भरना होगा, जिसमें कुछ कॉलम अति महत्वपूर्ण रहेंगे जिन्हें अनिवार्य रूप से भरना होगा। प्रमुख रूप से वेंडर या फर्म का नाम, इसमें फर्म का प्रकार सबसे पहले पूछा जाता है, जिसमें मुख्यतः दो कॉलम आते हैं, पर्सनल अर्थात किसी को व्यक्तिगत भुगतान करना है या फिर फर्म अर्थात कमर्शियल भुगतान करना है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर व्यक्तिगत भुगतान आएगा यानी पर्सनल पर, और यदि किसी फर्म यानी कंपनी या दुकान के नाम करते हैं तो कमर्शियल भुगतान करना होगा। इसमें वेंडर की डिटेल भरते समय सर्वप्रथम बिल्डर का नाम टाइप, यहाँ पर बिल्डर जो दिया हुआ है साथियों इसको वेंडर समझिएगा, टाइप एड्रेस डिटेल GST नंबर आदि डिटेल भरते हैं। इसके पश्चात प्रमुख रूप से वेंडर की बैंक डिटेल भरना रहता है, जिसमें वेंडर का बैंक का नाम अकाउंट नंबर आदि भरा जाता है। वेंडर की पूरी डिटेल भरने के पश्चात सेव कर देते हैं, जिससे कि वेंडर संबंधी डिटेल पूर्ण हो जाती है। इसके पश्चात बैक वाले बटन पर क्लिक करके पुनः वापस प्रक्रिया में आ जाते हैं। वेंडर कंप्लीट करने के बाद अब बैक करेंगे। बैक करने के बाद स्टेप 3 स्टार्ट हो जाता है। अब हम आपको एक्सपेंडिचर यानी व्यय संबंधी डिटेल आदि भरना होता है। किस मद में आपने व्यय किया है, कौन कौन से मद के लिए, तो इसको हमें डिटेल पूरा कंप्लीट करना होता है। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के पश्चात बहुत सारे विकल्प दाहिनी तरफ खुलकर आते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ऐड न्यू पर क्लिक करना होता है। एक्सपेंडिचर में ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने पर एक नया फॉर्म जैसे बहुत सारी डिटेल भरने के लिए खुलकर आता है। इसमें सबसे पहले स्कीम अर्थात किस योजना के तहत व्यय हो रहा है इसका डिटेल भरना आता है, जिसमें अधिकतर नीचे दिए गए बिंदु अर्थात समग्र शिक्षा वाले स्कीम के व्यय होते हैं, जिसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर समग्र शिक्षा वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। यदि ये वीडियो उपयोगी लग रहा हो साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथियों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जो भी आपकी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। इसके पश्चात जिसके लिए एक्सपेंडिचर डन कर रहे हैं उसे भरना होता है, अर्थात जिसके लिए व्यय कर रहे हैं। इसमें क्लिक करने पर जितने वेंडर हमने जोड़ रखे हैं अर्थात जिनकी डिटेल हमने ऐड कर रखी है वह सभी खुलकर सामने आ जाते हैं। इसमें से जिस वेंडर को भुगतान करना होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। आपके कई वेंडर्स की सूची आ जाएगी, जिस वेंडर को आपको यहाँ से पेमेंट करना है PFMS पोर्टल के माध्यम से उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके पश्चात लाइटर अर्थात ऑफिस ऑर्डर नंबर स्कूल का नाम आदि डिटेल भरते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सदैव किसी का भुगतान करते समय एक पत्रांक जैसी संख्या अर्थात ऑफिस ऑर्डर नंबर प्रदान करना रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
इसके पश्चात लाइटर अर्थात ऑफिस ऑर्डर नंबर, स्कूल का नाम आदि डिटेल भरते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जिस सदैव किसी भुगतान करते समय एक पत्रांक जैसी संख्या अर्थात ऑफिस ऑर्डर नंबर प्रदान करना होगा। उक्त डिटेल भरने के पश्चात में जो संबंधित पत्र होता है उसे चूज फाइल के माध्यम से अपलोड कर देते हैं। एक फाइल होगा, वहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब चौथा चरण यानी स्टेप फोर स्टार्ट होता है। इसके पश्चात अपलोड सेंक्शन लेटर के ऑप्शन के माध्यम से संबंधित संस्तुति के पत्र को अपलोड करते हैं। स्टेप पाँच, इसके पश्चात आगे बढ़ने पर हमें एक विकल्प इंस्ट्रूमेंट टाइप में आता है, जिस पर क्लिक करने पर दो विकल्प खुलकर आते हैं, जिसमें हम समस्त प्रथम विकल्प का चयन करते हैं। द्वितीय विकल्प डिजिटल सिग्नेचर से भुगतान का होता है, जो कि हमें नहीं करना है। पांचवें स्टेप का भी ध्यान रखना है कि पहला विकल्प ही हमें चॉइस करना है। इसमें कुछ डिटेल और भरना होता है, जैसे सेंशन डेट, अवेलेबल लिमिट, टोटल अमाउंट जो कि भुगतान किया जा रहा है। इसके पश्चात कुछ अनकालम अर्थात नरेशन डिटेल भरनी होती है, जैसे कि किस चीज़ के लिए भुगतान किया जा रहा है, यहाँ भी स्कीम आदि पूछा जाता है, जिसमें नीचे क्लिक करने पर बहुत सारे विकल्प आते हैं जो कि विद्यालय के विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। जिस मद में अर्थात जिसके लिए व्यय किया जा रहा है वो संबंधित विकल्प का चयन कर लेते हैं। इसके पश्चात सेव के माध्यम से उक्त समस्त सूचनाएँ संरक्षित कर लेते हैं। प्रक्रिया में ही हमें एक वाउचर नंबर प्राप्त होता है। इसके पश्चात ऐड डिडक्शन डिटेल का विकल्प आता है, जिसमें कुछ अन्य जोड़ना या घटाना होता है तो उसे जोड़ा या घटाया जाता है। यदि अन्य कुछ न जोड़ना है तो घटाना रहे तो ऊपर की पूरी प्रक्रिया को एक बार पुनः अच्छी प्रकार से मिलाकर जांच परख करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां पर अंतिम विकल्प के रूप में कन्फर्म बटन दबाना होता है। अंतिम विकल्प जो ऑप्शन आएगा वहाँ कन्फर्म बटन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हमें क्लिक करना होता है। जब भली भांति सुनिश्चित हो जाए कि हमारा समस्त विवरण सही है तब कन्फर्म बटन दबा दें। इस प्रकार हमारी PFMS पोर्टल पर की जाने वाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। PFMS पोर्टल की उक्त प्रक्रिया प्रथम बार करने पर ही है, बहुत बड़ी और जटिल लगेगी। इसके साथ ही जब आप करते रहेंगे तथा विशेषज्ञों द्वारा जब आपको प्रशिक्षण प्राप्त करा दिया जाएगा तो इसके पश्चात यह प्रक्रिया इतना कठिन नहीं लगेगी। ये साथियों, PFMS पोर्टल की उक्त प्रक्रिया प्रथम बार ही ये कठिन लगेगी। सभी साथी अभी विस्तृत रूप से विभाग द्वारा सूचना प्राप्त करने के पश्चात ही उक्त PFMS पोर्टल के माध्यम से किसी भुगतान आदि की प्रक्रिया करें। तब तक धैर्य रखें। साथियों, यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथियों को शेयर कीजिए वीडियो। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको हमेशा प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।